मैं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 26 एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है द वेरी मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट जिनका नाम है रश्मित कौर। हाय रश्मित, कैसे हो? ठीक हूं राज, तुम कैसे हो? आई एम डूइंग ऑसम यार। रियली? यस। हाउ? काम कर रहे हैं, मेकिंग कंटेंट फॉर माय YouTube चैनल। उसके अलावा भी बाहर भी और सारी चीजें चल रही है। ठीक है, अब मुझसे सवाल पूछो। वही, आप कैसे हो? व्हाट्स हैपनिंग? आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। बाय द वे, यू आर लुकिंग सो फैब। रियली? या थैंक्स, यू आर आल्सो ओके। उतरी यार, ये पता क्यों हो रहा है? No, you're looking good because you're wearing my Gora theme, red and black, which is crazy, you know. I'm just, you know, wearing specially for you. Oh my God. In a pani ya bhej do. Kya chal raha hai? Chal raha hai, bas album aa rahi hai, bahut khushi ki baat hai, aur 3 gaane aa chuke hain aur 9 gaane on aa rahe hain. Yes. To 12 gaano ki album hai aur I think aur bhi kaafi film releases ho rahe hain. That's great yaar. Main logo ko bata do, you know, abhi hum सीधा लिसनिंग सेशन से आ रहे हैं यहाँ पर। पूरा 13 गाने एक इंटरलूड था, 12 गाने, हाँ 12 गाने एक इंटरलूड, वो पूरा सुनकर आ रहे हैं। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यू नो, इंस्टाग्राम देखकर 3 गाने आ गए, उससे आई थिंक ट्रिपल मेरे को वहाँ सरप्राइज मिला। शुक्रिया, अच्छा सरप्राइज, बहुत अच्छा सरप्राइज। यू नो, मुझे तो बहुत मजा आया लिसनिंग सेशन में, काफी आर्टिस्ट भी आए थे और यू नो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है। तो ये सरप्राइज जो आप लोगों को देना चाहते हैं उसके बारे में बताओ। आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मेरे को जब बताएगा, वैसे भी पॉडकास्ट हम यू नो रिलीज के बाद अपलोड करेंगे, तो मुझे पता नहीं था कि वो 12 के 12 कोलैब सॉन्ग्स है। रियली? यस। थोड़ा मुझे पता था, इधर उधर से खबर आ गई थी, पर मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं था कि 12 के 12 कोलैब सॉन्ग। तो कोरा का कॉन्सेप्ट यही है कि हर एक गाने में फीचरिंग आर्टिस्ट है, और 13 इसमें कुल मिला के फीचरिंग आर्टिस्ट हैं जो 12 गानों में, और 10 इसमें प्रोड्यूसर्स हैं। yes. और 5 इसमें मिक्सिंग इंजीनियर है, 1 मास्टरिंग इंजीनियर है और 2 लिरिसिस्ट हैं अलॉन्ग विद मी। तो कुल मिला के 37-38 आर्टिस्ट की एल्बम है ऑन द फ्रंट। बैक टीम तो अभी बहुत बढ़िया होगी। जी, खतरनाक एल्बम है, देखो इतने सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। इसके ना बात करेंगे, आप मुझे बताओ आप कितने एक्साइटेड हो? यू नो अभी जब लिसनिंग सेशन में वहां, तो यू नो People were crazy जब सुना उन्हें पूरी एल्बम एक्सक्लूसिवली, बहुत लिमिटेड लोग थे। आप कितने एक्साइटेड हो? आई थिंक 3-4 साल से आप इस एल्बम पे काम कर रही हो। मैं 3 साल से इस एल्बम पे काम कर रही हूँ और कुछ आइडियाज तो 7-8 साल पुराने हैं। क्योंकि एज आई कीप सेइंग आर्ट टेक्स टाइम, यू नो आर्ट को बनाने में टाइम लगता है, और अगर रातों रात नहीं बनती चीजें, बहुत कुछ चीजें बन जाती हैं, बट आई थिंक पूरा टाइम लेके चीजों को बनाना चाहिए, और इसलिए 3 साल लगे। और जैसे कि आपने लाइनअप देखा, इतने सारे लोगों से फॉलो करने में 2 साल तो उसमें ही लगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने में टाइम ही लगता, जब आप अपनी कोलैबोरेटिव एल्बम बनाते हो तब टाइम लगता है ना आर्टिस्ट के साथ। मतलब इफ यू आर आस्किंग समबडी टू राइट अ वर्स ऑन योर सॉन्ग, तो आप उनको एक क्रिएटिव फ्रीडम भी दोगे कि पहले तो आपने सोचा कि आप ये आर्टिस्ट चाहते हो अपने गानों पे, पहले आप खुद के आइडियाज बनाए। 20 के करीबन मैंने आइडियाज बनाए थे, मोर देन दैट, एंड फिर उसमें से शॉर्टलिस्ट करते करते जितने आइडियाज आए, फिर सोचा कि कौन कौन सा रैपर, कौन कौन सा दूसरा आर्टिस्ट सॉन्ग राइटर इस पे कोलैब करेगा तो बेटर लगेगा, एक वर्स दे सकता है। तो ऐसे करते करते फिर बहुत सारे हो गए, और जब बहुत सारे हुए तो सबने फिर वेट भी करवाई। कुछ लोगों ने एक हफ्ते में लिख के भेज दिया, कुछ लोगों ने महीने लिए, बट इट वॉज वर्थ इट। या आपने सुनी लिया? अब पूरी दुनिया सुनेगी, क्या दुनिया सुनेगी? आई थिंक आज से ही लोग स्टोरीज डालना शुरू कर देंगे टू क्रिएट द हाइप ऑफ द एल्बम। लेट्स गो। एनी स्पेसिफिक थिंग यू वांट टू टेल टू योर लिसनर अबाउट द एल्बम? कोरा इज एन एल्बम फॉर द कम्युनिटी, मेड बाय द कम्युनिटी। आर्टिस्ट कम्युनिटी ने मिलकर बनाई है, मैं अकेले इसका क्रेडिट नहीं लूंगी। ऑब्वियसली नींव विस्की मैंने रखी, बट सब लोग आए साथ में, उन्होंने मेरा मान रखा, उन्होंने आके अपना वर्स दिया, ग्रेस किया, तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ बिगेस्ट अचीवमेंट आई वुड कॉल इट। क्योंकि आर्टिस्ट का काम ही होता है कम्युनिटी को साथ में बिल्ड करना, राइट? एंड आई थिंक दिस कैन सेट द बिगेस्ट एग्जांपल कि इस तरीके से काम करना चाहिए, ओपन माइंडेड रहना चाहिए, और नई नई चीज़ों को ट्राई करते हुए सबको साथ में लेके चलना चाहिए। एंड कोरा का मतलब है ऑरा ऑफ कोर। यस, तो कोर मैं हूँ। Yes, you are. And call means princess and Sherni. So, Sherni भी है गाना tracklist में। Yes. तो बहुत मजे आने वाले हैं। And दूसरी जो चीज है वो ये कि जितने भी आर्टिस्ट आए हैं इस पे,
उन्होंने पहले ऐसा कभी काम नहीं किया. लाइक मुनव्वर ने जो पहले जितने गाने बनाए उसमें वो सीरियस थे. हाँ. इसमें उसने थोड़ा पेपी कर दिया. और सीरे मौत ने उसमें तारीफ करी है. यू नो हम मोस्टली जो चीजें वो करते हैं अपने ट्रैक्स पे वो उनसे हट कर क्योंकि मेरा ब्रीफ वैसा था. बिकॉज आई वांटेड देम टू कम टू माय फ्लेवर इंस्टेड ऑफ लाइक ब्रिंग देयर ओन फ्लेवर बट विद जेलिड इन अ वे कि वो मर्ज हो जाए अच्छे से विद द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स जैसे वो यूज करते हैं अपने गाने पे. एग्जैक्टली वो नहीं है बिल्कुल. विद द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि आई वॉन्ट टू लाइक सेट एन एग्जाम्पल फ्रॉम दिस एल्बम एंड ऑल्सो वॉन्ट पीपल टू एंजॉय एंड लिसन टू इट. Great, yeah. All the best for your album. मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिलेगा क्योंकि exclusively सुन लिया तो you know I तो loved it. Thank you very much, Raj. Thanks a lot. अच्छा कुछ specific reason था कौरा नाम रखने का? मेरी पहली एल्बम है. इससे पहले मैंने जो एल्बम निकाली है वो एक रिलीजियस एल्बम थी. सो दिस इज लाइक माई मेन स्ट्रीम फर्स्ट डेब्यू एल्बम विच इज हिप हॉप पॉप एल्बम. तो आई वॉन्टेड सम स्ट्रॉन्ग नेम क्योंकि गाने इतने स्ट्रॉन्ग है, डायनामिक्स इतने हैं गानों में जैसे आपने सुना. तो मैं चाहती थी एक वर्ड हो और उसमें मुझसे रिलेट भी करता हो तो कौर मेरा नाम उसमें आ जाता है. और कौरा मीन्स ऑरा भी है. तो आई डिस्कस विद माय टीम एंड दे वर लाइक आई थिंक दिस इज इट द परफेक्ट नेम फॉर दिस इज द परफेक्ट नेम एंड इट्स इजी टू रिमेम्बर एंड कौरा है तो स्ट्रॉन्ग भी लगता है. तो एल्बम के हिसाब से आई थिंक इट सूट्स. मित्रा दा और है इनका कौरा है. तुहानू की लग रहा सही है? सही है, वधिया है, वधिया है, चंगा है, चंगा है, हाँ जी, ऑल गुड है, यस, ओके, इतनी आती है, बहुत है, बाकी फ्रेंड है समझाने के, हाँ, बहुत है. अच्छा मैं 12 गाने हैं, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक पिक्चर ली थी वहाँ पर, तो मैं जो आर्टिस्ट गानों में है, ओके, ओह शिट, हाँ, उनके बारे में मैं नाम लूंगा, यू नो, गाने के साथ ले लेता हूँ नाम, या मैं सिर्फ यू नो जो कोलैबोरेटिव आर्टिस्ट है उनके नाम लूंगा. यू हैव टू बताना उनके बारे में कैसा लगा, उनके साथ काम करके एक्सपीरियंस कैसा था, एनी स्पेसिफिक थिंग. हाँ, पूरा पूरा बताने या थ्री वर्ड्स. अच्छा, आप जिससे कंफर्टेबल हो. ओके, अगर आपको लगा इसके बारे में मेरे दिमाग में, हाँ, जिसके बारे में मैं ज्यादा यू नो शब्दों में बयान नहीं कर सकती तो आप लाइन बता देना कोई. ये तो वरना वर्ड्स इक्का भैया गैंगस्टर मतलब बहुत ज्यादा मैं बढ़िया लिखूंगा. देन मैं जो लिखूंगा मतलब वो आएगा जब तो फिर आ जाएगा. मतलब आई जस्ट लव हिज वाइब. ही इज वेरी ऑनेस्ट. जो भी वो हैं वो हैं. और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया. एंड पहली लाइन ओपनिंग इतनी कमाल की थी कि ये दुनिया बड़ी कमाल की है. तो मजा ही आ गया सुन के जिस दिन उन्होंने भेजा ना. एंड इक्का का रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लगा. द डेर आई सेंट द सॉन्ग टू हिम ही वाज लाइक क्या बना दिया ये क्या बना दिया. मैंने कहा भाई अब आप भी ऐड कर दो इसमें और बढ़िया हो जाएगा. सो आई थिंक ही इज वेरी बढ़िया बंदा है वो गैंगस्टर से. एंड ही इज ऑलवेज एक्साइटेड टू यू नो टू फीचर और कोलैब. एग्जैक्टली या एंड ही केम फॉर द वीडियो आल्सो. सो आई थिंक बहुत मजा आया उनके साथ काम करके. ग्रेट. मुनव्वर फारूकी. मुनव्वर इज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड ही वॉज ऑल्सो रेडी. हमने साथ में बैठ के उसका रैप भी लिखा था. एंड ही केम फॉर द रिकॉर्डिंग्स दो तीन बार जब बुलाया आ गया. एंड जेम ऑफ अ पर्सन. ग्रेट. वाजिर पॉटर. वाजिर पॉटर बड़ा गैंगस्टर. ब्लैक एंड वाइट. ब्लैक एंड वाइट मतलब मैंने बोला गाना भेजा. मैंने कहा बना दो जी गाना. बहुत वधिया गाना है. बहुत वधिया आप लिखते हैं करते हैं. एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द आर्टिस्ट जिन्होंने मुझे सबसे पहले भेजा गाना. okay. लिख के वर्स लिखा नवीन है वो उनका जो पार्ट है. एंड ही हैज संग इट एंड यू नो रिकॉर्ड किया होगा वोकल्स खुद का बिकॉज ही इज अ प्रोड्यूसर. एंड उसने अपना भेजा एंड अमृतसर से वो बंदा आया. उसने हमारे साथ वीडियो रिकॉर्ड करी, वीडियो शूट किया. वेरी वेरी अकोमोडेटिंग, वेरी चिल, बहुत ही बढ़िया. सुकून से हो गया. एंड जिस लेवल का मुझे चाहिए था ना, क्योंकि वो जो गाना है खंबा वाले ना लावी ना यारी परिंदे ने उठ जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाना है. तो आई थिंक उसके अलावा मुझे कोई और फिट दिखा भी नहीं वाजिर के अलावा. एंड आई एम हैप्पी दैट ही पहले इंस्टेंटली उन्होंने मतलब भेज दिया. अच्छा आपने वहां पर लाइन भी बोली थी ना कि आर्टिस्ट परिंदे नाल होता है उसके साथ मैंने बोला था कि
इस गाने का मतलब है कि जिनके खंभ होते हैं, जिनके पंख होते हैं, पंजाबी में कहते हैं खंभ, जिनके पंख होते हैं उनके साथ यारी मत लगाओ, वो उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वफादारी नहीं करते, वो उड़ जाते हैं, उनका तो है ही नहीं ना, रुकेंगे नहीं कहीं पे। तो ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता। तो वही ना, मौसम की तरह कहीं तुम बदलना चाहो, रंग बदल जाते हैं। यस, फतेह। फतेह इंटेलिजेंट एंड सॉफ्ट, या लाइक ही लव्ड द सॉन्ग। उसने कहा कि मेरे को कुछ नया करने को मिल रहा है, एंड टोरंटो में था, तो मतलब पहले तो मैंने सोचा कि भाई कैसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि टाइम डिफरेंस है, ये है वो है, बट ही इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू आर्टिस्ट ऑन द एल्बम जिसने 2 हफ्ते में गाना करके भेज दिया विद वोकल प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट द एल्बम। या ग्रेट, एंड बहुत अमेजिंग वो ट्रैक पे साउंड कर रहे हैं जी, लोफाई। या इट्स लाइक मर्जिंग रियली वेल। गाने का नाम है लिमिटलेस प्यार, बस यही है। फरहान खान, खान साहब। खान साहब तो फिर खान साहब ही हैं, ओजी हैं वो, उनका तो मतलब ही इज एक्चुअली वन ऑफ द आर्टिस्ट हु हैज सपोर्टेड मी अ लॉट। मुझे याद है बहुत पहले से, क्योंकि आई थिंक 1.5 साल पहले जब हमने पॉडकास्ट किया था, या उससे उसके बाद मैंने किया था फरहान के साथ, एंड आई वुड से कि सिर्फ मेरे को सपोर्ट नहीं, ही इज इन जनरल आल्सो वेरी सपोर्टिव ऑफ ऑल द अदर आर्टिस्ट जिनके साथ भी वो काम करता है, एंड बैरी पिया का वीडियो भी रेडी है। ओ, तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, हमारा उसमें प्रोसेस है, स्टूडियो सेशन टाइप्स वीडियो है, तो वो भी आएगा जल्दी बाहर, तो एल्बम के बाद ही, तो वो भी बहुत ही अकोमोडेटिंग और मस्त है एकदम मस्त। उसने मैं बोला भी था यादव इंटरव्यू में कि रश्मि के साथ बड़ा अच्छा लगा काम करके, आने वाला है भाई फ्यूचर में कुछ। या तो भाई ये काउच जो है मैनिफेस्टेशन के लिए हैं जी, हाँ चलो बढ़िया है, कोई तो मैनिफेस्ट करते हैं, कोई तो करण जौहर से हटके दूसरा बढ़िया काउच आया। डार्लिंग यू नो, डार्लिंग। ओके, नेक्स्ट है डीवीके। डीवीके तो लड्डू है, डीवीके तो मेरा भाई है, उसने तो मतलब सबसे बड़ा भाई है, मतलब उसकी 6'4" हाइट है, और मतलब वो इतना रियाजी बंदा है, आई वुड कॉल हिम रियाजी, एंड इंस्पिरेशन भी लेती हूँ मैं उससे, क्योंकि इतना रियाज करता है और इतना फाइन है वो। उसने इंटरलूड हमने साथ में किया है, yes. जिसमें जो इंटरलूड के शब्द हैं वो सबको पता चलेंगे कहाँ से आए हैं। और करते उसके बारे में बात, उसके बारे में तो तुमने अलग से सेक्शन रखा होगा ना। आई न्यू इट, तो प्यारी समझ गई। तो डीवीके ने बीट बॉक्स किया बढ़िया एकदम, तो वो भी एक कोलैबोरेशन है, बट उसमें बीट बॉक्स आ रहे हैं और मेरे शब्द हैं, तो डिफरेंट इंटरलूड सुना होगा। यस, जस्ट लाइक इट। या अगला है सिमरन कौर डाडली। शेरनी, वो तो नाम में ही शेरनी, शेरनी है। हाँ, ट्रैक का नाम भी शेरनी है, ट्रैक का नाम भी शेरनी है, बुलंद। ओके, ट्रेसी डिसा एंड रिबल। ट्रेसी डिसा, ट्रेसी इज अ प्यारू, शी इज अमेजिंग, शी केम इन द स्टूडियो, शी इज फायर, आई वुड कॉल हर फायर। उसने फायर की तरह 2 घंटे में अपना वर्स लिखा, उसी टाइम किया, फर्स्ट टाइम एवर ट्रेसी सिंगिंग इन हिंदी। आई रोट हर पार्ट एंड आई मेड हर सिंग इन हिंदी एंड शी स्किल्ड इट। एंड रेबल तो मतलब बुलेट है, बुलेट जहाँ लगती है मतलब धार, शी इज टू गुड। आई वॉन्टेड टू एम्ब्रेस द फीमेल सेक्शन ऑफ द एल्बम, सो आई केप्ट दीज सॉन्ग्स बैक टू बैक। शेरनी, जैसे शेरनी एंड होता है वैसे ही बेड़ियाँ शुरू होता है, दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज होल्डर गाने हैं, तो आई होप जनता पसंद करेगी। अमेजिंग। GD47। GD47 इज लाइक आकाशवाणी। हाँ, वोकल्स भी वही है, वोकल्स भी उसके मतलब इतने पावरफुल हैं कि ऐसा लगता है कि बादलों से आवाज आ रही है, एंड द काइंड ऑफ डिलीवरी दैट ही डिड इन रहा, बैंग ऑन, किलर, मजे आवे। सीधे मौत, सीधे मौत ने सीधे मौत अपने शब्दों को साइड पे रख के और मेरा ब्रीफ अच्छे से सुन के, प्रिटी बॉयज हैं वो और बढ़िया आर्टिस्ट हैं वो, बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने मेरा ब्रीफ सुना और एकदम चकाचक हम चले पीछे करते चले, आगे आगे करते नहीं, वो जो अभी लेकिन बंदे पीछे भागे भागे, तो वो क्रेजी लिखा, आई डोंट थिंक ऐसा कभी लिखा है उन्होंने पहले, सो आई एम वेरी हैप्पी टू एम्ब्रेस डिफरेंट साइड्स ऑफ डिफरेंट आर्टिस्ट ऑन दिस एल्बम, तो वो सुनने में सबको बहुत मजा आने वाला है। ग्रेट, नेक्स्ट है मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड, सॉरी क्या ट्रैक है, क्या ट्रैक है, गाने का नाम है भोले।
भोले गाने का नाम है, पहले हम इसका नाम शंभू रख रहे थे क्योंकि मैंने इसमें शंभू 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 ऐसे करके चैंट किया है, बट फिर जब मैंने बना दिया गाना उसके बाद मुझे लगा शंभू नाम के बहुत सारे ऑलरेडी ट्रैक्स हैं, तो फिर नाम बदल के उसका भोले कर दिया. एंड द फर्स्ट नेम दैट स्ट्राइक वॉज मुफार, एंड मुफार ने क्या खूबसूरत वर्स लिखा है उस पर, इतने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया और भोले को रख के एकदम ओ निपट जाएगा काम. आई थिंक वो मेरा फेवरेट ट्रैक है. या लेट्स जो सुना तो मैंने अरे ये क्या है. वो बहुत डिफरेंट है और वो उसका प्रोड्यूसर भी यहाँ का नहीं है, वो नाइजीरिया का प्रोड्यूसर है. अच्छा. सी मार्टिया एफ्रो बीट है ना. अरिवू, अरिवू इज अ साउथ इंडियन रैपर. अगर आपने वो गाना सुना एंजॉय इंजामी, बहुत ही पॉपुलर हुआ था, वायरल हो गया था. एंड ही इज अ वेरी 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 बैंगर ऑफ एन आर्टिस्ट. एंड उसके साथ मेरे और भी गाने आ रहे हैं जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अरिवू वैसा होगा, बट द मोमेंट आई वेंट टू चेन्नई टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग विद हिम तो काफी मजा आया. और सुनते ही उसने बोला कि करते हैं, हालांकि उसको पंजाबी में समझ नहीं आया क्या था, बट देन मैंने पूरा लिख के दिया उसको विद ट्रांसलेशन एंड देन ही रोट हिज वर्स एंड ही किल्ड इट. यस, वो भी ट्रैक अच्छा है. थैंक यू वेरी मच. उसमें मैंने रैप किया है. रैप किया है. मेरा यू नो अगला सवाल वही था, लेकिन उससे पहले मैं पूछूंगा, कभी कभार ऐसा होता है कि आप ना अपनी बातों से इंस्पायर हो जाते हो. ओह माय गॉड, आप हो गए. मैं तो नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं. आपको बोल रहा हूं. थैंक्स. तो यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरलूड जो लास्ट हफ्ते पॉडकास्ट किया था. अच्छा. उसमें कुछ बातें आपने बोली थी जी, आई थिंक तो वो ही आपने उसको सैंपल किया है, उसको सैंपल करके इंटरलूड बना दिया. हाँ, मतलब वो क्यों, मतलब कुछ था माइंड में या मुझे लगा कि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी बात थी. ओके. राजोंस एंड उसका बार बार रिपीट होना, अच्छी बातें जितनी भी रिपीट करो ना वो क्लीशे बन जाती है फिर. वो क्लीशे इसलिए बनती है क्योंकि वो अच्छी होती है और वो सही होती है. तो आई थिंक उसमें जो मैंने बोला कि किसी के ऊपर भरोसा मत करो, खुद के ऊपर भरोसा सबसे ज्यादा करो, एंड वो मेरे एक्सपीरियंसेस से आता है. एंड आई वॉन्ट, इफ आई एम टेलिंग माई ऑडियंस और माई फैंस और हूएवर इज लिसनिंग टू मी, तो मैं चाहती हूँ कि उनको सच्चाई पता चले. तो आई थिंक दैट चलो इज वेरी, वो छोटा सा है लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है. मोटिवेशनल ऑल्सो. एंड देन उसका मतलब है कि चलो भाई, चलो आगे चलो, चाहे जो मर्जी हो चलते रहो. जी. उसके बाद अभी क्या सीन है, मतलब यू ट्रस्ट पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री और यू जस्ट आप इंडिपेंडेंट हो, मैं अपने काम करूंगी? नहीं, ऐसा नहीं है. मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करती हूँ और आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ, अभी इश्क नचावे आया है, खो गए हम कहाँ में, उससे पहले बहुत सारे गाने मेरे दूसरे लेबल्स के साथ भी आए हैं. मैं ट्रस्ट की बात कर रही थी कि जब आपको क्रिएटिव कॉल लेनी होती है ना अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप फिर इंडिपेंडेंटली आप अपने प्रोजेक्ट के लिए जैसे लेते हो ना वैसे ही. Got it. सिंपल शब्दों में और सिंपल एक्शन ने हमें समझा दिया. बिल्कुल. यस. कुछ चीजें एक्शन समझा देती हैं तो right, right. बोलना नहीं पड़ता. बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ. अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, फिर आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. सही बात है. आई टोटली एग्री. फिर आता है काम. काम आता है क्योंकि आप निखर रहे हो ना हर दिन. और मतलब काम ही है कि जो नो लोग पसंद करते हैं, फिर वो और लोगों तक पहुंचता है, लोग देखते हैं अच्छा ये आर्टिस्ट बहुत बढ़िया काम कर रही है, नो लेट्स कोलैब, कुछ भी हो. बिल्कुल. मूवी के गाने हो, कुछ भी हो, एनीथिंग यू नो, वैसी चीज होती है. राइट. मतलब मेरे मूवी के गाने इतने बड़े हो गए और बाजरा सट्टा वाज विद लेबल एंड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, अदर सॉन्ग्स आल्सो, आई गॉट रियो पार, आई गॉट इट्स वाज फिल्म सॉन्ग तुमकेश्वरी एंड देन जी करदा ओटीटी. कितने गाने गाए मैंने लास्ट साल में, तो मैंने 20 गाने निकाले. ग्रेट. विद लेबल एंड विद माई इंडिपेंडेंट एंड विद फिल्म सॉन्ग्स मिला के आप सही बैलेंस बना के चल रहे हो. खतरों के खिलाड़ी, मतलब उसमें भी बैलेंस ही बनाया मैंने. तो आई थिंक वही बात है कि अपने ऊपर काम कर रहे हो तो सारी चीजें आपको उस हिसाब से मिलती हैं. बट आई एम क्वाइट इंप्रेसिव यू नो, जो बैलेंस बना के आप चल रहे हो. शुक्रिया. बट आई वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट दैट यू नो, नॉट अ पॉइंट बट आई वांटेड टू पुट समथिंग आउट व्हिच इज वेरी नियर एंड डियर टू माई हार्ट, क्लोज टू माई हार्ट, विच इज कोरा. एंड जिसमें स्क्रैच से लेके राज, मतलब मैं प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व, मतलब धीरे धीरे लोगों को क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बताऊंगी मैं, जैसी एल्बम आती है पहले उनको टाइम देंगे सुनने के लिए, बट ड्रॉप से लेके मिक्सिंग से लेके मास्टरिंग से लेके, मास्टर मैंने यूके में करवाई है सो दैट द एल्बम साउंड्स द सेम सोनिकली. तो आई थिंक बहुत जितने आप एफर्ट्स दोगे ना उतना आपका काम निखरेगा और उतनी आपकी आर्ट खुद बोलेगी. जी. राइट. आई एग्री विद यू. आई थिंक यंग आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी टिप है जी कि हाँ, मतलब अपने ऊपर काम करो काम और करो.
और सुनते रहो मतलब क्या चल रहा है आसपास. सही, I super like it. अच्छा एक चीज मैंने बड़ी, हाँ पता नहीं ना ये कब compliment देते कब sarcasm. super like. अच्छा एक चीज मैंने जो नोटिस करी वो है कि जैसे मैंने आई इंट्रोड्यूस यू मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट. अब मैंने इसलिए करा क्योंकि देखो लिखाई सबको पता आपके, यू नो यू आर अ गुड राइटर, सिंगर भी हो, ठीक है, अभी आप वीडियो डायरेक्ट भी कर रहे हो इसमें, ठीक है, देन आप रैप भी कर रहे हो. ये मतलब था कि मेरी डेब्यू एल्बम है भाई, इतनी मेहनत करनी है और एक्सपेरिमेंट भी करना है जी. जो मेरा यू नो आर्ट है, क्राफ्ट है, उसको मुझे और यू नो निखारना है. तो मतलब क्या वो था, क्योंकि देखो आप इंडिपेंडेंट है तो आप फ्री हो. हाँ. तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई भी रूप अपना दिखा सकते हो ऑडियंस को कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो करो ना यार, आज हर कोई आर्टिस्ट बन रहा है. यस राइट, एंड विद एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस बन रहे हैं लोग. बट कितने आर्टिस्ट कौन है, कैसे हैं, वो तो सबको पता होता है अपने अंदर. आप घर जाके खुद के साथ सोते हो तो आपको पता होता है कितना काम आपने ईमानदारी से किया है. yeah. कितना आपने बेईमानी से किया है, किस इंटेंशन के साथ किया है. राइट, तो मैंने रैप करना था, शेरनी में भी मेरा एक छोटा सा हिंदी रैप एंड फ्लाई सो हाई मैंने फ्लाइट में ही लिखा है. yeah. उस टाइम मैं बीट के साथ ऐसे ही जैम करी थी फ्लाइट में और मैंने फ्लाई सो हाई लिख दिया, उसमें पंजाबी रैप है. फिर चलो में भी एक छोटा सा एक रैप है. तो आई थिंक जहां जहां मुझे मौका मिला, जहां जहां मुझे लगा कि दिस फिट्स, लेट्स गो. बात कहनी है ना, बात कहने के जरिए कितने भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस करने के जरिए अगर मेरे पास बहुत सारे हैं तो मैं करूंगी ना. बिल्कुल जी. तो फिर कर दिए बस. और उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन तो देखो ये वही है ना, अब जब गाना बनता है ना तो विजुअल सामने आने शुरू हो जाते हैं राज, ऐसा कि ये यहाँ शूट होगा, ये ऐसा है, इसमें ये कलर्स है, इसमें ये कॉस्ट्यूम्स हैं, वो है. अब मैं इतना जाके किसी एक डायरेक्टर को समझाऊं और वो कितना विजुअल विजन वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, कितना क्लोज आएगा मेरे गाने के. तो कभी कभी मैं वो ले लेती हूँ, यू नो जैसे प्यार की बहार मेरे साथ को डायरेक्टर थे, बट हायरी दुनिया पूरी मैंने डायरेक्ट की है. From costumes to everything, there was a team involved. Obviously, team to bahut zaruri hai. I'll get to guide. Shout out to my team. They are amazing. But I'm saying, ek jo main idea hota hai, usko execute karne ke liye aap kitne logon ko bataoge? To isse acha khud direct kar lo. बढ़िया, मैंने खुद डायरेक्ट. लेकिन काफी लोग नाराज भी है, एक डायरेक्टर तो अंदर बैठा हुआ है. हाँ? कि उसने बोला था यार अंदर रखो उसको. हाँ, रश्मित कौर की एल्बम आ रही है, मैं शूट वूट कर लूंगा. हाँ. अच्छा, यू नो उसको बोल दो अभी और भी ट्रैक्स हैं, देंगे मौका. गुड, यस, मतलब है तुमने लिया है ना इधर कैमरा पे जो बुलवाया मुझसे. मुझे सब समझ आ गया, मेरे मुंह से निकल गए. नहीं मैं जो अपने दोस्त का तुम निभा रहे हो, दोस्ती यारी तेरी, यारी को सलाम. देयर आर और अदर डायरेक्टर्स, यू नो वो भी बोल रहे थे. नहीं बट अगर मैं कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ यार. बिली आइलिश अपनी वीडियोस को डायरेक्ट करती है, फिनियस को डायरेक्ट करती है, अ लॉट ऑफ पीपल दे डायरेक्ट देयर ओन स्टफ, दोजा खुद करती है बहुत सारी चीजें और मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ. मेरी इंस्पिरेशन बियॉन्से ने अभी रोनसॉन्ग की डॉक्यूमेंट मूवी निकाली है जो इंडिया पता नहीं कब आएगी, बट she is directed, produced, given music and everything. और मेरे सारे idols ही वही हैं, so I'm inspired by them. So I want to do as much as possible. क्योंकि अब राज अगर मेरे को पता है कि मेरे को कौन से कैमरा पे शूट करना है, मेरे को तो सोनी SF6 है या F9 है, F3 है, किस पे करना है मुझे, F6 पे करना है, कभी 9 ले लिया, तो मुझे वो सब ज्ञान भी तो हो रहा है ना साथ साथ में, लर्निंग भी है. मुझे यहाँ पे वाइड शॉट चाहिए, यहाँ पे मुझे ड्रोन चाहिए, यहाँ पे मुझे मिड चाहिए, यहाँ पे मुझे क्लोज चाहिए, वो सब आप सीख रहे हो तभी आप चीजें और एनहांस कर पाओगे या समझा पाओगे ना किसी को. कल को मुझे इजीली बोलना पड़ेगा कि भाई ये वाला कैमरा चाहिए मुझे, बट वो फायदा भी है ना कि देखो आप साथ साथ में सीख भी रहे हो, मजा भी आ रहा है. जितना आप इन्वॉल्व होते हो ना उतना आप सीखते जाते हो. हाँ, ग्रेट, एग्जैक्ट, सही है. एंड और टाइम बहुत है आर्टिस्ट के पास ना, देखा जाए, वेस्ट करने के अलावा, नेगेटिव चीजों में लगाने के अलावा, अगर आप हर चीज में इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे तो आपकी आर्ट कम्प्लीटली एक तो आपको बिलोंग करेगी. yes. आपको दिखाएगी कि इसमें रश्मित कौर बोल रही है और सच्चाई से निकलेगी बाहर. यस, वो ना कंज्यूम, कितना आप अपना टाइम कंज्यूम करते हो, बना ही रहे सारे एक जैसी वीडियोस. बात तो सही है.
सब में गाड़ियां हैं, सब में पैसा दिखा रहे हैं, नोट दिखा रहे हैं. रैपर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ऑल्सो. दे आर शोइंग टू वर्किंग गर्ल्स एंड टुडे ओनली आई वाज चेकिंग आउट ट्रेविस स्कॉट्स न्यू सॉन्ग with some artist and the opening shot is only like big butts and people girls twerking. So I feel like kitna aap matlab ye kitna dikhaoge, there's a limit to it, no? Yeah. So or maybe there's no limit, or maybe they just want to show that that's the culture, but that's completely their choice. But if I have a voice and I want to use it differently, to main usko use karungi na. Ab mera bahut man hai bediyan pe video banane ka, usme Tracy aur Rebel aur main, teen ladkiyan saath mein aa rahi hain. Crazy हो जाएगा। ये भी है ना कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप हो एज एन आर्टिस्ट अपनी लाइफ के, या अगर अपनी चीजों के, अगर आपको अपना वीडियो दिखाना तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो दिखाऊंगा. और फिर उसको कैसे परसीव करते हैं लोग, वही ना, मतलब मैं जिस तरीके से उसके साथ कनेक्ट करती हूँ, उसको एक्सप्रेस करने का मेरा तरीका है, फिर उसको लोग कैसे समझते हैं वो उनका तरीका है. Yes. I agree with you. Thanks. Agree for agreeing. अच्छा, इतनी बढ़िया एल्बम है, बेहतरीन एल्बम है. थैंक यू यार राज. हाँ. हाथ मिलाओ यार इसी बात पे. तुमने जो मेरी एल्बम को बोला बढ़िया, सच में बढ़िया लगी ना. सच में बढ़िया लगी. मैं और अभी पता है, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, आई डिड दिस लिसनिंग टूर, फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, आई एम डूइंग इन माई लाइफ समथिंग लाइक दिस, बिकॉज आई क्रिएटेड दिस जॉइंट ऑफ एन एल्बम कोरा विद सो मेनी पीपल ऑन इट, एंड आई वॉन्टेड टू कनेक्ट विद पीपल इन पर्सन कि उनको कैसा पहली बार वो सुनते हैं. देखो मैंने तो अब ये करोड़ बार सुन ली है. Yes. मतलब बहुत बार सुन ली है. मैं एक बार टाइप भी कर रही थी थोड़े दिन पहले, दैट आई हैव हर्ड दिस एल्बम फ्रॉम 169562 टाइम्स, एंड आई स्लीप विद इट, आई वेक अप विद इट, बट आई वांट टू नो हाउ पीपल विद कनेक्ट विद इट, राइट? क्योंकि वो जब पहली बार सुनेंगे तो फिर उनको पता लगेगा, देन दे रिकॉल वैल्यू होगी कि कौन सा गाना जाके सुने, दोबारा सुनेंगे. तो आई थिंक, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स गो. यस, बट लोगों के रिस्पॉन्स वहाँ अच्छे ही थे काफी. जो देखा हमने, या मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों का रिस्पॉन्स देख के, उन्होंने इमीडिएटली कनेक्ट किया. मतलब क्योंकि आप सोचो ना, आप पहली बार जिंदगी में कोई गाना सुनने जा रहे हो, ठीक है, आप किस माइंडसेट से जाते हो पहले तो, वो आप कितने शांत हो, वो आपका अपना स्पीकर नहीं है, कहीं और जा रहे हो, आप कैसे एनवायरमेंट में हो वो, बट देन लिसनिंग सेशन में बैठ के आपको एक गाना इंस्टेंटली हिट करता है, और फिर आप लिरिक्स भी नहीं सुनते, फिर आप म्यूजिक सुन रहे हो. हर एक इंसान का सुनने का तरीका भी अलग है. तो आई वॉन्टेड टू स्टिल कनेक्ट विद ऑल दीज पीपल. एक तो उसमें से बहुत सारे ऐसे फैंस थे जिन्होंने बहुत सारे ट्रैक्स के, और जो हम गेम खेल रहे हैं कौरव को लेकर, उसके सोशल मीडिया पर बहुत सही जवाब दिए, तो यू नो उन्होंने एफर्ट डाला, तो मेरा भी बनता है एफर्ट डालना. उनको भी गिफ्ट दिया अपना अच्छा सा, बिल्कुल कौरव का. बट मेरा सवाल ये था कि यू नो इतनी बेहतरीन एल्बम है कि आप इंडिपेंडेंट निकाल रहे हो, यू नो आई थिंक आप इतने लेबल्स हैं इंडिया में, आप उनको पिच करके यू नो अच्छे अमाउंट सेल कर सकते थे, बट व्हाई कि मैं इंडिपेंडेंटली करना चाहती हूँ? क्योंकि बहुत, मैं इस एल्बम को इंडिपेंडेंटली इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इसमें काम किया है. एक तो मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, और फिर उनके भी सबके इमोशंस मिलकर बहुत ज़्यादा हैं, सो इट बिकेम विद टाइम वेरी 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 क्लोज टू माई हार्ट. एंड अगर मैं सब कुछ ही भेज दूंगी राज, तो फिर मेरे पास क्या रहेगा? सो आई वॉन्टेड टू कीप दिस टू माई सेल्फ. होता है ना कि एक जो चीज़ आपके दिल के बहुत करीब होती है, आप उसको रखते हो, आप दुनिया से शेयर करते हो, बट देन आई डोंट वांट टू सेल इट. आई मीन ऑल माई इंस्पिरेशंस, अगेन लाइक रस इज देयर, हु हैज बीन डूइंग इट इंडिपेंडेंटली सिंस ही वाज 16 ईयर्स ओल्ड, सो ही इज वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशंस, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू इट इंडिपेंडेंटली. और अगर मैं लेबल्स को करती रहूँगी, मुझे भी तो लेबल बनना है ना एक दिन, है ना? I agree with you. क्या सोच है? काफी, you know, बहुत रिसर्च करके, काफी अपने you know, दिल में चीजें हैं, वो आप कर रहे हो, निकाल रहे हो. बिल्कुल, और सलीके से तरीके से. कहते हैं कि मतलब I am a believer of quality and but अब quantity भी है भगवान की दया से, तो फिर शुक्र है, हर वेले शुक्र है. That I keep saying that I'm just blessed that I'm able to do it. You know, बहुत सारे लोग हैं जो सर्कमस्टांसिस की वजह से नहीं कर पाते चीज़ें, उनको सपोर्ट नहीं मिलता उनको, तो आई एम इन दैट वे आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल दैट आई मेड दिस एफर्ट एंड देन सो मेनी पीपल केम टुगेदर, यू नो, लाइक द ऑल द कम्युनिटी पीपल, ऑल द पीपल केम टुगेदर, एंड पीपल विल डेफिनेटली appreciate all those efforts because they are very true and coming from a genuine place. You know? Yes, yeah. Yes. You know, more power and more blessing to you. Thank you very much. अच्छा, मुझे लगता है कि ये 2024 की first album है जो drop हो रही है. Yeah. अभी,
और व्हाट आई फील की इसमें इतने आर्टिस्ट कितना बोल सकते हैं 37 आर्टिस्ट. अगर आप मेरे क्रिएटिव वो भी मिलाओगे जो क्या बोलते हैं उनको आर्ट डायरेक्शन और वो सब मिला के तो करीब 40 के आर्टिस्ट हैं. आप फॉलो अप सोचो राज. हाँ वो मैं सोचा था जब मैंने वहां पर लिस्ट देखी मैंने उसकी पिक्चर ली मैं बोला है भाई कितने आर्टिस्ट हैं. मेरा फोन नहीं है अभी एक सेकंड में कोई दिखाना मुझे एक बड़ी एक मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था थोड़े दिन पहले एक कॉमेंट का तो मुझे मतलब बड़ा मुझे लगा कि मुझे बाद में मैं इसका जवाब दूंगी बट किसी ने मेरे उस पर कॉमेंट किया कि डिड शी नो कि सोलो ट्रैक्स नहीं चलेंगे हैं. पहले तो ऐसे बोला उसने ये कमेंट किया डिड शी नो कि सोलो ट्रैक्स नहीं चलेंगे फिर बहुत सारी ऐसे नाचने वाली इमोजी. तो मैंने सोचा कि इसका मैं क्या जवाब दूं. एक तो आप सबको जवाब नहीं दे सकते क्योंकि बहुत कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना. लोगों का काम है सिर्फ कहना काम उन्होंने नहीं करना है बट कहना जरूर है ओपिनियन सबका है. तो मैंने सोचा कि बोलूं कि सोलो भी तैयार है इसके बाद पर मैंने नहीं बोला. और फिर मैंने सोचा कि बोलूं कि एक करके दिखा दो आपको लैब. जस्ट इमेजिन आई नो फॉलो अप टेकिंग द फॉलो अप्स एंड देन कमिंग टू अ पॉइंट जहां पे आपको वर्स अच्छा लग रहा है अपने गाने के लिए. बींग मी लाइक बींग एन आर्टिस्ट हु इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर थिंग्स कि गाना ऐसा होना चाहिए प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए ये पार्ट ऐसा है ऐसा ऐसा है उसके बाद करना तो फिर इग्नोर कर दिया मैंने क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है ना. एक बंदा खड़ा था ताजमहल के उधर ताजमहल के पास एक बंदा खड़ा था बहुत देर खड़ा रहा वो एक घंटा तो साइड में एक दूसरा आदमी बैठा था वो आके उसको बोलता है वो देखता रहा उसको स्टेयर कर रहा था वो ताजमहल को बहुत देर तक. साइड में दूसरा आदमी आके उसको बोलता है और ब्लेस यू साइड में दूसरा आदमी आके उसको बोलता है कि भाई क्या देख रहे हो आप. कहता ये जो तीसरा जो पिलर है ना ये इन्होंने टेढ़ा बनाया है. ओके तो वो आदमी उसको पूछता है आर यू एन आर्किटेक्ट. कहता नहीं. आर यू इंजीनियर. कहता नहीं. कहता आर यू डिजाइनर. कहता नहीं. क्या फर्क पड़ता है. फर्क नहीं पड़ता ना. फर्क नहीं पड़ता तो बोलने वाले सब है ओपिनियन सबके पास है लाइफ में लेकिन काम करना ज्यादा जरूरी है और करके काम खुद को ही करना है. मेरा भी था ये सवाल क्योंकि इतने सारे कोलैब आपने लिए सिंगल एक भी नहीं. सिंगल एक भी नहीं. सिंगल मेरे और रेडी है ना बहुत सारे. तो वो तो मैं कभी भी कर सकती हूँ. वो तो मैं घर पे बैठ के कभी भी ड्रॉप कर सकती हूँ. ये करना मुश्किल है. हाँ चैनल भी अपना और मैं बोल रहा हूँ ये वन ऑफ अ काइंड ऐसी एल्बम है कि जिसमें इतने कोलैब्स हैं सारे फीचर्स हैं. भाई बहुत पेशेंस है आप में काफी टाइम है. शुक्रिया. आई थिंक इसको आर्ट कहते हैं. नहीं इसको नेचर भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों में पेशेंस नहीं होता है. भाई इसको आर्ट भी कहते हैं. हाँ बहुत सारे लोगों में पेशेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये एज वैसी चल रही है. वरना लोगों में पेशेंस थे 6-6 मिनट के गाने सुनने में. वरना लोगों में पेशेंस थी कि ए आर रहमान का उनको पीस याद होता था कि जो उन्होंने यहाँ पर उसमें तेरे बिना में कौन सा पीस बजाया है हाय रामा में क्या बजाया है फ्लूट का क्या पीस है. लोग साथ में गाते हैं आज भी क्योंकि उन लोगों में पेशेंस थी. और तब इतनी ज़्यादा ये ऐसे नहीं बना हुआ था कि आप दिन भर बस यहाँ से पेशेंस गई है. मुझे पर उनको देख के मैं तो नहीं अपना काम करना बंद कर सकती ना. I have to create something which is timeless. I have to create something which is resonating with me forever. है ना? Yes. चले नहीं चले उसका क्या हुआ किधर हुआ कब हुआ जब डिस्कवर होगी तब देखी जाएगी. But it's coming out and I'm just happy about it. Great. मुझे ये example बहुत सही लगा आपके ना. मुझे वो गाना याद आ गया स्ट्राइकर का छम छम. वो सोनू निगम साहब का गाना है पर वो ये 7 मिनट का गाना है. स्टार्टिंग में वो उसके बाद गाना पूरा पीस है पूरा. हाँ पूरा इंस्ट्रूमेंटल बजता है फिर गाना विदाउट म्यूजिक साउंड्स हैं. हाँ ये करके सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग पीपल रिमेंबर बिकॉज दैट टाइम पीपल यूज्ड टू लिसन. इसलिए आज मुझे लिसनिंग सेशन करना था और मुझे इसलिए मुझे कौरा का लिसनिंग सेशन करना था टू ब्रिंग दिस बैक यू नो टू अप्रिशिएट द कल्चर ऑफ लिसनिंग मोर बिकॉज लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और पेशेंस कहाँ है आपके पास ही है ना पेशेंस. क्या करोगे आप कहीं जाके किसी को गाली दोगे या किसी का बुरा भला या गॉसिप करोगे किसी के गानों पे कमेंट करोगे. हाँ कमेंट ही करोगे ना. हाँ यही करोगे या कुछ टॉपिक छेड़ दोगे कि भाई ये करते हैं वो करते हैं. सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट इट्स ऑल इन योर हैंड्स. इट्स ऑल लाइक हाउ यू थिंक. अब पेशेंस भी है. देखो गाने भी 20 निकाल दिए मैंने लास्ट ईयर में. ये सोचो कैसे हुआ. हाँ
यार काफी काफी यू नो बहुत मेहनत कर रहे हो आप. दैट्स क्वाइट इंप्रेसिव एंड इंस्पायरिंग आल्सो. बट ये ऑल द बेस्ट फॉर योर एल्बम. थैंक यू वेरी मच. मुझे बहुत अच्छी लगी. मतलब मैं यू नो कि कैमरे के सामने पॉडकास्ट कर रहा इसलिए नहीं बोल रहा. वैसे ही जनरली जब मैंने सुना मैंने बोला यार ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था. मैं वही सोचा था यार रश्मित ने 12 कोलैब करे लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया. एक्सपेक्ट नहीं किया मतलब इसका इतना टाइम और पेशेंस कहाँ से आया. मतलब ये सीखने की चीज है. बिल्कुल. हम जहाँ जिस हिसाब में जल्दी जल्दी भाग रहे हैं ये कर रहे वो कर रहे हैं. मैंने बोला टाइम से चीजें हो जाती हैं राज. अगर आपकी इंटेंशन सही है और अगर आप यू नो बहुत सारे जिस इंटेंशन से यू आर पुटिंग थिंग्स आउट उसी चीजों से उसी तरीके से आपको वापस मिलती है. इन 20 गानों में आई थिंक लास्ट ईयर मुझे 150 गाने लोगों ने पूछे होंगे कोलैबोरेट करने के लिए. तो मैंने सबको हाँ नहीं बोल सकती ना. और मेरे को दिल से भी आना चाहिए कि मुझे ये गाना करना है. सो 100 से ऊपर गाने तो 100% होंगे जो पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स दे वांट टू कोलैबोरेट. वंस दे सी दैट आई एम ओपन टू कोलैबोरेट देन दे आर लाइक एवरीबॉडी सेंडिंग देयर सॉन्ग्स राइट लेफ्ट एंड सेंटर. सो उस टाइम पे आप क्या करोगे. उस टाइम पे आप सबको मना तो नहीं कर सकते. टीम है मना करने के लिए वैसे. बट देन आई मेक श्योर कि मैं गाना सुनूं. मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि क्या इसके ऊपर से मुझे क्या मिल रहा है या कितना पैसा है या किसका क्या है. दैट इज ऑल सेकेंडरी थर्ड बाद की बात है. वो गाना हिट करना चाहिए पहले. हाँ तो अब सोचो जब मेरी एल्बम ऐसी है और फिर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इतने आर्टिस्ट आ रहे हैं तो उनको भी तो हिट करना चाहिए ना. तो इक्का भाई को अगर हिट किया तो वो सोच के किया होगा या सीधे मौत ने कहा कि हाँ लेट्स डू इट. या फतेह ने एक क्रेजी वर्स लिखा. राइट. I agree with you. And you know, shout out to all the artists, music producer and engineers जो इस एल्बम से जुड़े जिन्होंने इस एल्बम को और ब्यूटीफुल बनाया. जी I'm very blessed and I feel happy to be associated with so many people. And I'm happy it's one of a kind. It's happening. शुरुआत हो रही है चीज की. And I'm happy कि और भी लोग आएंगे and अच्छी चीजें अच्छी intentions के साथ करेंगे. क्योंकि dissing and bissing is very easy. यही से लोग काट काट के पॉइंट डालेंगे. इतनी अच्छी बातें जो की है इससे पहले वो इंस्पायर नहीं होंगे. देखो देखो जहां डिस मतलब पेशेंस नहीं है ना. पेशेंस नहीं है वही आ गई ना बात. अरे क्या बोल रही है प्रीच कर रही है ये कर रही मुझे है. भी बोला बीच में किसी ने कि भाई आजकल इंटरव्यू में मजा नहीं आ रहा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी कराओ. सी को सीख लो भाई. सीखना नहीं है ना किसी को. सीखने में पेशेंस चाहिए. और आर्टिस्ट वही होता है जो थ्रू आउट देयर लाइफ सीखता रहता है. और मेरा धर्म ही सिख है. अपने को तो बोला है सीखो. सो आई कांट लाइक नो नॉट लर्न. ऑल द बेस्ट फॉर योर एल्बम. थैंक यू वेरी मच. आई एम सेइंग अब बात करते हैं थोड़ा सा बाहर की. कैसा रहा भाई विदेश यात्रा खतरों के खिलाड़ी. इनसेन इनसेन. वहां भी 4 गाने रिकॉर्ड करे मैंने. उसमें से एक भारा है इश्क नचावे. इश्क नचावे दैट आई रिकॉर्डेड इन केप टाउन. एंड बहुत मेहनती बच्चा हूँ मैं. मतलब कैसे अप्रोच कैसे हुआ फिर वहां की अप्रोच नहीं था. इट्स अ सेलिब्रिटी बेस्ड शो. मोस्टली वहां पे टीवी एक्टर्स और वो सब के फेसेस जिनके फेसेस टीवी पे फेमस होते हैं वो आते हैं. सो दिस वाज वेरी अनयूजुअल फॉर देम आल्सो टू गेट लाइक म्यूजिशियंस लाइक मैथी और डीनो था इस बार रैपर्स में से. एंड दे नेवर लाइक गॉट पीपल लाइक दैट. बहुत यूजुअली कम होता है ऐसा ऐसे शोज में क्योंकि टीवी बेस्ड शो है. आपको मसाला चाहिए. और आजकल तो वो कंटेंट क्रिएटर भी करेक्ट कंटेंट क्रिएटर भी आते हैं मेरे ख्याल. हाँ क्योंकि वही ना वो फॉलोइंग जहाँ से आपको ज्यादा टीआरपी मिले. मेनली इट्स गेम ऑफ टीआरपी. बट देन आई जस्ट लाइक गेव माय बेस्ट एंड यू नो माय डेडिकेशन एंड माय स्ट्रांग विल. आई थिंक इट हेल्प्ड मी एंड ऑब्वियसली गॉड ऑलमाइटी. एंड मेरे सारे स्टंट्स में बस भगवान का नाम लेके लेके पार करें और बढ़िया करें और एस करें. देखा था भाई मैंने बोला भाई कैसे कर रहे हो इतना बड़ा खतरनाक है. इनसेन था वो राज. मेरी जिंदगी बदल गई. क्या लर्निंग उसके बाद जो इंस्पिरेशन आई ना. बस उसके बाद ये एल्बम आ रही है ना. यही लर्निंग थी सबसे बड़ी. ये एल्बम जून में आने वाली थी. अच्छा लास्ट ईयर तब से रेडी है. फक फिर केप टाउन जाना पड़ा. अच्छा फिर खतरों के खिलाड़ी आ गया. बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर ड्रॉपिंग एन एल्बम योर होल कॉन्सेंट्रेशन शुड बी देयर नो. ऑब्वियसली व्हेन इट्स लाइक एन एल्बम लाइक दिस राइट एंड इतने लोग हैं
तो फिर आपको कॉन्स्टेंटली ये प्लानिंग वो प्लानिंग इसका ये, इसका वीडियो इसका गाना इसका ऑडियो इसका मास्टर. मैं ग्रुप्स दिखाऊंगी ना अभी मैं कितनी हूँ कितने ग्रुप्स पे हूँ मैं. चलो ठीक है ये लिसनिंग सेशन ग्रुप अलग हो गए ये तो अभी आए जिंदगी में. इससे पहले विद सीधे मौत विद दिस विद दैट विद मास्टरिंग इंजीनियर विद सो मेनी पीपल एंड टाइम लगा बट हमेशा के लिए ये एल्बम और सबके लिए एल्बम. या ग्रेट एल्बम के बारे में था बट ये तो खतरों के खिलाड़ी बहुत अच्छा. खतरों के खिलाड़ी से मेरी बहुत ऑडियंस बढ़ गई टू बी ऑनेस्ट. हां क्योंकि टीवी आपको क्योंकि टीवी इज अ वेरी वेरी बिग मीडियम एक्सपोजर एंड आई वाज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट कंटेस्टेंट्स एंड वो रोहित शेट्टी केप्ट सेइंग दैट थ्रू आउट द सीजन सो आई थिंक देयर आल्सो आई यू नो गेव माय बेस्ट एंड उससे भी मैं और स्ट्रांग बन गई. और केप टाउन में जो बता रही हूँ ना जो यहाँ से बैठ के दिखता है ना राज कि भाई ये कैसे कर रहे हैं उसका 50 गुना ज्यादा डिफरेंट डिफिकल्ट है वो वहाँ पे 100 गुना ज्यादा डिफिकल्ट है उसका वहाँ पे क्योंकि 60 किलोमीटर प्रति आर की स्पीड से वहाँ पे विंड चल रही है कॉन्स्टेंट. ओ बावरे. और ठंड है वहाँ पे 4 डिग्री और उस ठंड में आपको पानी में जाना है. हम यहाँ नहीं जाते. हम दिल्ली में सोचो सोचो और उसके बाद आपको उस हवा में आपको स्टंट करने हैं और फिर आपको कपड़े पहनने हैं बढ़िया स्पोर्ट्स वाले जिम वाले. नहीं स्वेटर नहीं पहन सकते क्योंकि टीवी पर आना है समझ रहे हो. मरने को बोला तो ऐसे ही बोल दो मर जाएंगे. ये सब क्यों करवा रहे हो. एग्जैक्टली वहां पे लिटरली यही बात चल रही होती थी कि मरने को बोलो भाई मर जाएंगे ये क्या करवा रहे हो क्या स्टंट आ गया आज सोच रहे हो आप. तो वो आई थिंक 84 के करीब स्टंट्स थे और मैंने 24-25 के करीब किए पूरे सीजन में एंड वन ऑफ अ काइंड. एंड 2 महीने लाइफ इतनी डिसिप्लिन लाइफ इतनी क्रेजी हो गई ना. वो रोलर कोस्टर में बैठते हैं ना हम 2 मिनट के लिए बस 1 मिनट के लिए बैठते हैं वो रोलर कोस्टर मैंने 2 महीने के लिए किया. भाई बहुत बहुत हिम्मत है आप में. थैंक यू वेरी मच. आई अप्रिशिएट इट. थैंक यू वेरी मच. तो वो जब हिम्मत आई तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये भी हिम्मत कर लेते हैं एल्बम बनाइए देखो. मैं दो दो चीजें वहां कर रहा हूँ. यू नो स्टंट्स भी कर रहे हो एल्बम पे भी काम कर रहे हो. ग्रेट यार. या आई वाज टॉकिंग टू द मास्टरिंग इंजीनियर दिस भाई मेरा ये गाना यहाँ हो गया है. रुक भाई स्टंट आ गया अभी करता हूँ. वो कर दियो चेंजेस आगे कॉल कर दियो. एग्जैक्टली ऐसा भी हुआ है कि अरे लाइक एक गाना मैंने किया है जो अभी आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा. इट्स अ बिग अनदर बिग कोलैबोरेशन. ग्रेट. एंड उसका मैं शूट करके आई अभी बट वो मैंने उधर शूट उधर रिकॉर्ड किया. मैं अपना सेटअप ले गई थी. अच्छा. तो मैंने होटल अपने रूम में एक सेटअप लगा दिया अपना एक टेबल पे प्रॉपर. मेरा साइड में कॉर्नर था स्टूडियो कॉर्नर वहां पे मेरा माइक मेरा लैपटॉप मेरा साउंड कार्ड सब पड़ा है. एंड जब भी आई टाइम ही नहीं है. उसके बाद एक कोई दिन मिला रियलिटी शो करा मेरे पास मसाला. आई कांट लाइक आई एम नॉट अ टीवी फेस ना. मेरे को स्क्रिप्ट नहीं देंगे वो कि अरे आपको ऐसा करना है ये बोलना है वो बोलना है. हाँ मतलब तो मैं वहां से थोड़ी बच गई. तो मैं जितना मेरे को टाइम मिला मैंने वहां पे शेरी कोको किया जो आ गया मल्टीपल इंटरनेशनल कोलैब था वो. उसके बाद अब जो आने वाला है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो मैंने वहां पे रिकॉर्ड किया. तो मुझे एक स्टंट कर रही थी तो मैं वापस आई स्टंट करके अपने रूम में वापस आई तो मुझे उस आर्टिस्ट का मैसेज आ गया. इसने मुझे वो गाना भेजा था कि वी आर गोइंग विद समबडी एल्स बिकॉज वी बीन वेटिंग फॉर योर वोकल्स. अब किसको बताऊं मैं स्टंट कर रही हूँ वहां पे चल रहे हैं स्टंट. भाई हमारे साथ तो स्टंट मत कर. और सोचो, आर्टिस्ट बोल रहा है. और सोचो ये दूसरा स्टंट. और सोचो वो स्टंट करते करते आपकी माइंडसेट ही नहीं रहती यार. आप सुबह उठ रहे हो 5:30 बजे बस में बैठ रहे हो 1 घंटा जाते हो आप जंगल में जाते हो वहां पे आपको शेर दिखते हैं कभी चीता है कभी ये कभी सांप कभी पानी हवा करंट बिजली सब कुछ है. इरिटेशन लेवल यहाँ पर. हाँ हाँ. और मतलब इरिटेशन क्या मतलब वो सांस ही नहीं आ रही ना. समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है जिंदगी में. फिर वापस आए आप और फिर ऐसा मैसेज आपको देख मैंने कहा अभी भेज रही हूँ मैं गाना. भाई सांस ले दे 2 मिनट दे भेज रही हूँ अभी स्टंट करके आई हूँ अभी गाना भेज रही हूँ. सुबह उठी मैंने पहले गाना रिकॉर्ड किया. अच्छा आपने रोहित शेट्टी सर उनसे क्या बात उन गाने सुने थे आपके. वो गाने सुनने का टाइम ही नहीं होता. नहीं वैसे 3-2-1 गो. नहीं पहले मतलब पहले हाँ उन्होंने नदियों पार सुना था. और वो मेरे को पूरा टाइम रश्मित बोलते रहे. तो आधा टाइम मेरे को सुनाए सर रश्मित कहते. फिर आए मेरे पास एक स्टंट में मैं ऐसे कीड़े घिर रहे मेरे ऊपर ब्रो.
और सांप है मेरे गले में, कीड़े गिर रहे हैं ऊपर, स्लाइम गिर रहा है, डेड फिश गिर रही है, सब गिर रहा है और सब घुस रहा है इधर उधर, और साइकिल नहीं रोकनी और कुछ तो इकट्ठा करना है वो कॉइन्स, और कॉइन्स डालने अगर साइकिल रोक दी तो कॉइन्स गिर जाएंगे और फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। उसमें बीच में दौरान उसके दौरान आते हैं पांच लोग कर रहे हैं ये हेड ऑन स्टंट है, और बीच में आते हैं कहते हैं रश्मित सही बोल रहा हूँ ना सर, सही है सर, अभी तो सब सही, फिर भी नहीं बोला उन्होंने, कहा सर सही है अभी सब कुछ, कम ऑन ब्रो, आई मीन आई एम डूइंग दिस एक्शन, रश्मित 8 कॉइंस रश्मित, मैंने कहा सही है सर सही है, तो आई मीन ही आल्सो मोटिवेटेड मी अ लॉट, ही इज अ स्टंट मैन, और उन्होंने इतने स्टंट्स करवाए हैं, एक्शन पिक्चर करते हैं वो, कॉमेडी करते हैं, एक्शन बहुत ज्यादा करते हैं, डैडी वन ऑफ द बिगेस्ट स्टंट स्टंट क्रिएटर, हां डायरेक्टर हैं, और उनको हाथ में भी काफी आई थिंक 22 पता नहीं कितने 50 टांके आए होते रोहित शेट्टी को, तो ही इज आल्सो डन अ लॉट ऑफ स्टंट्स, तो आई मेड श्योर कि मैं रोहित शेट्टी की बात हमेशा सुनूं, और वही सुनी मैंने, क्योंकि उस बंदे को पता है कि कौन सा स्टंट कैसे करा जा सकता है अगर कोई सुन रहा है तो, अगर कंटेंट दे रहा है तो अलग बात है, है ना, तो फिर काफी स्टंट्स मेरे ही मोटिवेटेड तो काफी अच्छे हुए स्टंट्स, सो आई थिंक ही इज ऑल्सो वेरी वेरी एंड ही इज ऑल्सो डन खतरों के खिलाड़ी फॉर 7 सीजन्स नाउ, तो उनको पता है कौन कितना मानी में, तो आई वॉज वन ऑफ हिज फेवरेट कंटेस्टेंट्स, ग्रेट यार नाइस nice. हम आगे ऐसे ही आपको और रियलिटी शोज में देखना चाहते हैं, सिर्फ बिग बॉस को छोड़कर, बिग बॉस करो अगर कभी मिला तो, बिग बॉस करने को आया था, आया था, मैं तो वैसे करियर तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका यार, 2 साल पहले, हाँ करियर तो बहुत अच्छा चल रहा है, करियर अच्छा चल रहा है मतलब खराब करूं, नहीं बिग बॉस में वही आते हैं जिनके करियर खत्म हो जाते हैं, उनको फेम चाहिए, वही कह रही हूँ खराब करूँ, नहीं खराब मत करो, मतलब वहां जाकर तो मत करो, मतलब क्या व्हाट आर योर थॉट्स ऑन बिग बॉस, अगर कभी ऑफर हुआ तो जाओगे, वैसे 2 साल पहले ऑफर क्या थी स्टोरी बताओ, दैट वाज दिस थिंग ना जो छोटा वाला बिग बॉस कौन सा, अच्छा वो ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला, उसके लिए मुझे आया था ऑफर, तो मैंने पहले तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं एक्साइटेड हो गई कि यार बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतने कैमराज हैं, फिर जब मैंने थोड़ी देर बैठ के सोचा, मैंने कहा मुझे अपनी जिंदगी की ना तबाही नहीं करनी, समझ रहे हो, हाँ क्योंकि ना इतने कैमराज है ना कि आप कुछ भी बात किस भी तरीके से बोलोगे और किस तरीके से कट के किधर से चिपक के कैसे निकल आएगी कुछ नहीं पता चलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आपने मेरे इंटरलूड में भी सुना है, वो तो आपने बहुत ध्यान से सुना है, यस सर, सबसे ऊपर मेरे लिए रिस्पेक्ट है, तो फिर देखेंगे, बट रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आपके माइंड स्पेक के लिए तो हम सब छोड़ सकते, सब छोड़ देते हैं, फिर क्लियर हो गया थॉट्स की भैया नहीं करना, फ्यूचर में धजियां उड़ रही हैं लोगों की, मतलब इट्स अ गेम, इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम, देखो वहां पर ये भी है ना, खतरों खिलाड़ी तो अपने गाने भी रिकॉर्ड कर लिए, वहां तो कुछ नहीं, वहां तो आपका दिमाग खराब रहता है, सुना है कि वो सबसे मुश्किल शो है, हाँ आप साइकोलॉजिकली आपको इतना ट्रेन या मतलब आप क्या हो जाओगे ना, आप कह नहीं सकते, तो मतलब इट्स बट माय लाइफ इज नॉट अ गेम, यू नो आई एम हियर फॉर अ पर्पस, आई एम हियर फॉर अ रीजन, एंड आई वांट टू डू थिंग्स जिनकी मैं खुद जवाबदार हूँ, तो मेरे को पैसे कमाने के लिए या अपनी इज्जत गंवाने के लिए, या आई एम नॉट सेइंग बहुत लोगों की इज्जत बनी, बहुत लोगों का उसके बाद करियर बहुत ऊपर हुआ है, बहुत म्यूजिक वीडियोज किए हैं उन लोगों ने, बहुत म्यूजिक वीडियोज में फीचर किया है, इतना काम किया है, लेकिन आई एम सेइंग आई डोंट थिंक फिलहाल मेरी लाइफ में जरूरत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, यू विल या लाइक आई अगर मुझे, चलो एक बात इसका जवाब देती हूँ मैं अभी, मैं बिग बॉस क्यों करूँ, मैं बिग ब्रदर करूँगी ना, यूके या ब्रा, लाइक आई वुड रादर डू समथिंग विच इज वेरी आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, बट वो तो और भी टफ है, जहाँ मैं सीखू ना कुछ, वहां की लड़ाइयाँ सुन के कुछ तो सीखूंगी, शिल्पा शेट्टी जीती ना उसमें, हाँ जीती थी, हाँ तो फिर अगर वहां मैं बिग बॉस क्यों करूँ, मुझे बिग ब्रदर करना है, बिग ब्रदर वालों बुला लो, yeah. Say it English. It will be call. She's cool. Okay. That's all great. All the best. Yeah. ठीक है. Yeah. Yeah. Got it. Yeah. Tell me 3 skills which are the most useful in the music industry. 3 skills. Good listener. Good dealer. डीलर मतलब मतलब जो सही हिप हॉप वाले कुछ और समझ लेंगे, नहीं 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 जो डील सही करता हूँ मतलब एज इन स्ट्रीट स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट एंड गुड डिसीजन मेकर, ग्रेट या लाइक वो डिसीजन मेकर कम्स फॉर एवरीवन, लाइक चाहे वो सोनिकली हो या वो लेबली हो या वो लिरिकली,
लिरिकली हो या वो कहाँ से क्या करना है, गुड डिसीजन मेकर एंड दैट कम्स विद टाइम एक्सपीरियंस. एंड व्हाट्स द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस अनदर म्यूजिशियन एवर गिव यू? जर्नी इज एवरीथिंग. किसने दिया है? रस बाबा. पुल द ट्रिगर. पुल द ट्रिगर. ही सेज दैट जर्नी इज एवरीथिंग. एंड मतलब मैंने उससे सुना है जर्नी, डोंट थिंक अबाउट द डेस्टिनेशन, दैट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, राइट? सो एंजॉय द जर्नी. आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा लोग जिस एज में हम जी रहे हैं, सोशल मीडिया एंड कंपेरिजन एंड इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर एंड दिस एंड दैट, एवरीथिंग इज देयर. बहुत सारी चीज़ें हैं, जितना एक्सेस नहीं होना चाहिए था. आई कम फ्रॉम अ टाइम वेयर प्लेबैक वॉज द बिगेस्ट थिंग. यू नो, मैं 8 साल पहले बॉम्बे शिफ्ट हुई थी और तब प्लेबैक मुझे करना था कि मुझे क्या करना है बॉम्बे जाके. तो मुझे लगता था कि प्लेबैक इज द ओनली, इज द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि उस टाइम पे रील्स वर नॉट देयर, टिकटॉक वॉज नॉट देयर, यू नो, ऑल दीज स्मॉल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, शॉर्ट फॉर्मैट प्लेटफॉर्म्स वर नॉट देयर. एंड क्वेश्चन क्या था? What's the best piece of advice? Yeah, so then now it's become so chaotic that people forget to enjoy the journey. Whereas journey is the most important. मैं हर दिन, मैं like आज भी मुझे listening session में I was reliving the moments जो मैं अपने बॉम्बे वाले घर पे living room में अपने friends को मैंने इतनी बार अपने गाने सुनाए पहले और बनाते time ideas को इतनी बार सुना. तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दोज मोमेंट्स. हाफ ऑफ द टाइम मेरी आंखें बंद ही थी क्योंकि मैं उन सब चीज़ों को बार बार जी रही थी. तो आई थिंक लोग भूल चुके हैं अपनी जर्नी को इन्जॉय करना. रादर देन इन्जॉइंग इट, दे जस्ट फोकस ऑन कि इसका रिजल्ट क्या है, या इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, या ये क्यों नहीं मिल रहा, या कितने व्यूज हो गए, या कितने लोग देख रहे हैं, यू नो, इतना पैसा लगा दिया तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा. करेक्ट. वो कितना लगाओगे आप पैसा, उसका तो कोई अंत ही नहीं है ना. यस. उसका कोई भी अंत नहीं है और अच्छी चीज पहुंच जाएगी जहां जब पहुंचनी होगी. बट यू जस्ट हैव टू कीप क्रिएटिंग एंड कीप फोकसिंग ऑन द क्वालिटी. एंजॉय द जर्नी. जर्नी इज एवरीथिंग. यस, थैंक यू. एंड एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी अबाउट द एल्बम कि यू नो आप फीमेल आर्टिस्ट जो है उनको काफी सपोर्ट कर रहे हैं ना. बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट उसमें. आई लाइक द थिंग. बहुत सारी हैं. बहुत सारी हुई. मतलब बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट ऐसी हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल अग्री और डिसअग्री विद दिस, बट इन माय ओपिनियन इन दिस इंडस्ट्री वुमेन डोंट सपोर्ट ईच अदर. रियली? यस. यू विल सी वेरी 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 लेस नंबर ऑफ वुमेन शेयरिंग ईच अदर स्टफ. वेयर एज, क्योंकि ऑब्वियसली वो रेशियो का भी है, क्योंकि औरतें वैसे ही कम है नंबर में और औरतों के पास और भी बहुत चीज़ें होती हैं, यू नो, सिर्फ क्रिएट नहीं करती हैं वो, इमोशनली भी इधर उधर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो आई फील जितनी भी इंडस्ट्री में हैं वुमेन, दे शुड स्टार्ट सपोर्टिंग ईच अदर मोर. जैसे भाई भाई करते हैं ना, मेरे भाई का गाना आ रहा है, मेरे भाई का गाना आ रहा है, मेरे भाई का गाना आ रहा है. वो आपने बहुत सुना होगा, बट ऐसे बहुत कम. मैं खुद करता हूँ. एग्जैक्टली. बट ऐसे बहुत, ऐसे आपने किसी को नहीं सुना होगा कि मेरी बहन का गाना आ रहा है, या माय सिस इज रिलीजिंग अ सॉन्ग, या माय दिस फीमेल आर्टिस्ट इज रिलीजिंग अ सॉन्ग. सो आई थिंक दैट वी नीड मोर. एंड आई रियली वांट टू ब्रिंग दैट कल्चर एंड लाइक मे बी लाइक कंट्रीब्यूट इन अ वे कि लोग उससे अवेयर हों, क्योंकि कोई किसी की ना जगह छीन नहीं सकता कहीं से भी. राइट, आई एग्री. तो भाई आप अपना काम करो एंड सबको सपोर्ट करो. जो आपको अच्छा लगता है एटलीस्ट वो बोलो तो सही कि मेरे को ये अच्छा लगता है. है ना? और आई मीन आदमियों को तो मैंने वैसे नहीं देखा, बहुत कम देखा शाउट आउट देते हुए. बट व्हेन यू सी आउटसाइड, यू नो, निकी मिनाज इज गिविंग शाउट आउट्स टू ऑल द अदर वुमेन आर्टिस्ट. कार्डी बी इज कोलैबोरेटिंग, बियॉन्से ने कोलैबोरेट मेगन द स्टैलियन के साथ किया, साथ में ग्रैमी अवार्ड ले रहे हैं. सो यू नो दिस कल्चर इज इट नीड्स टू हैपन मोर हियर. एंड आई फील पीपल शुड गिव मोर शाउट आउट्स टू पीपल, टू मोर वुमेन आर्टिस्ट, वुमेन एंड वुमेन. एंड जिस भी तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी, आई थिंक ये है शेरनी और बेड़िया बनाया, जिसमें 3 फीमेल इनक्रेडिबल आर्टिस्ट हैं, सिमरन कौर धादली इन शेरनी, ट्रेसी डिसा फ्रॉम फ्रांस एंड रेबल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. सो आई ट्राई टू कवर ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड एज वेल लिटिल बिट. लेट्स सी, अगली एल्बम कोलैब वाली शायद बाहर ही बने. ओह दैट्स नाइस एंड ऑल द बेस्ट. मैं बहन तो नहीं बोलूंगा, मेरी फेवरेट आर्टिस्ट एंड गुड फ्रेंड ऑफ माइन रश्मित कौर, इनकी एल्बम आ रही है खौड़ा, जाके प्लीज
स्ट्रीम करो, स्ट्रीम हाँ, और चैनल सब्सक्राइब करो जी। यस, अच्छा एक सवाल मैंने आपसे 1.5 साल पहले पूछा था, इट्स द सेम क्वेश्चन। ओह माय गॉड, आर यू स्टिल सिंगल? राइट, आर यू स्टिल सिंगल? सिंगल नहीं यार, 13 कोलैब। अच्छा कोलैब हो आप? अभी कोलैब है, अभी हम सिंगल कैटेगरी में आते ही नहीं है, अभी हम कम्युनिटी को रख, वी आर बिल्डिंग द कम्युनिटी टुगेदर। That's great, you know, but I was talking about your personal life. उसका टाइम ही नहीं है। Really? मतलब ऐसा कभी नहीं है किसका डेट पे चल जाती हूँ यार, बहुत टाइम हो गया डेट पे नहीं गई। ऐसा मतलब मन करता है, जल्दी पूछो, इमोशंस देखो हर इंसान के अंदर होते हैं। फिर मेरे को ऐसा लगता है तो फिर मैंने लिमिटलेस प्यार बना दिया, उसमें मेलोडिक रैप कर दिया। कि सारे जग तो भुला के तेनू वेखा मैं, तेरे पीछे पागलां दे वांग घूमा मैं, इस जिंदगी दा बणिया सहारा तू, विदाउट यू कुछ भी ना हुण सोचा मैं, मैं अपने ही होण दा वे मुल है भुलाया, मैं तारिया च वेखा मैनू दिसे तेरा साया, लिमिटलेस प्यार मेरा, घर एतबार मेरा, टाइम सारा अपना मैं तेरे लिए गवाया, और फिर टाइम सारा अपना मैं म्यूजिक लिए गवाया। तूने ना लवर को डिस मार दिया। या इस तरीके के डिस चलेंगे। बट नाइस, आई लाइक इट, सुना मैंने, बट सच मन नहीं करता, मतलब जनरली कभी फीलिंग ही नहीं किस चीज का। चलो यार डेट पे चल जाते हो किसी के साथ, जनरली पूछा मैं ऐसे कहां जाऊं यार, बचा ही नहीं है कोई, अब इलेवन बॉम्ब सभी शादियां हो रहे हैं यार, आई एम सिंगल। इसको हर जगह 1.5 साल पहले भी यही स्क्रिप्ट थी यार राज जॉन्स, 1.5 सालों प्यार नहीं बदलता। हर एपिसोड के साथ इसका बदलता है प्यार। नहीं नहीं, मोस्टली भाई आते ना सारे इमोशन, देखो साल बदले हैं, इमोशंस और फीलिंग हुई है। कुछ नहीं, चलो ये हम ऑफ द कैमरा बात करेंगे। यार फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आप आए हो तो खाली आप, मैं आपको जाने दूंगा गिफ्ट्स। यस, बहुत ही कूल, प्लीज गिव मी ऑल द गिफ्ट्स। गिफ्ट्स हैं सिम्बा की तरफ से आपके लिए। ओह माय गॉड, हैवी, तो तुमने पूरा जो फॉर्मेट एक करण जौहर का करा है, हैंपर वैंपर वाला, ये अच्छा है ना, वेरी नाइस ब्रो, हम भी तो तरक्की करें। क्या क्या है इसमें? तो आपके लिए एक कूल सी टी-शर्ट है और कुछ अच्छी सी सामग्री। ओह माय गॉड, मोर एबर मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए कुछ, थैंक यू वेरी मच, मर्चेंडाइज, दैट्स वेरी कूल राज जोन्स, यू बिकम मोर, क्या कहते हैं उसको, क्या मोर रिच, बस मोर लगा लो अपने, you become a, क्या कहते हैं उसको, more giver with time. Yes. In 1.5 years, good. Thank you. Is it to impress me? नहीं नहीं. Then? Selling के थोड़ा सा प्यार है. प्यार की जो ना है, उसके लिए है ये तो. है? उसके लिए है. हाँ. Oh my God. कुछ भी बोल रहे हैं. Overwhelming. Yes. But you know, all the best for your album. I really loved your album, Kora. Thank you very much. It's a must listen album, people. अगर आप you know hip hop music सुनते हो, किसी भी तरह का music सुनते हो, तो please इनके channel को subscribe करें and album को जाके stream करें. It's not a, I would like to say it's not a genre defining album. Yeah. There is pop in it, there is Afro beats in it, there is drill in it, there is reggaeton in it, there is trap in it, there is slow, there is half drill in it, there is इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इन इट, हाई दुनिया पूरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप है, तो आई थिंक ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक, ऑल काइंड्स ऑफ जॉनरा आई ट्राई टू यू नो कवर, और सब ओरिजिनल है। थैंक यू, 3 स्किल्स, ओरिजिनल ओरिजिनल, सबसे बड़ी स्किल होनी चाहिए कि आप ओरिजिनल करो, कुछ भी पुराना नहीं है, कुछ भी कहीं से उठाया नहीं है, पूरा प्रॉपर लिखा है, कुछ भी सैम्पलिंग भी खुद की आवाज़ की करके डाली हुई है, हाई थी दुनिया में 50 बार आई थी दुनिया, अलग अलग तरीके से खुद ही बोला, सो आई थिंक प्लीज गिव इट ऑल योर लव एंड अप्रिसिएशन एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड थैंक यू वेरी मच, एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए, बस आपका प्यार और सम्मान। एंड 1.5 साल बाद आप आए पॉडकास्ट में, कैसा लगा मेरे साथ यू नो इंटरेक्शन करते हुए ऑन द मैनिफेस्ट काउच? ओह माय गॉड, इतनी इंटरेक्शन, यस सर, आपने तो लेकिन इतना, आपने तो लेकिन ऐसा कभी तो इंटरेक्शन में पिछली बारी मैं ऐसा बोला नहीं था कि मतलब मेरी इतनी सारी कोलैब्स होंगी, तो फिर कैसा मैनिफेस्ट का जी, मैंने किया था, चलो मैं जा रही हूं, मैं मैंने किया था अलग से आपके लिए, थैंक्स अ लॉट कि आप आए शो पर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एल्बम, थैंक यू वेरी मच, काम करो, चीफ ऑन काम करो जी, peace.